उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ का दौरा किया। तय समय से पहले वो पहुंच चुके थे। जनसभा में भी अच्छी खासी भीड़ पहुंची और इस दौरान 4,583 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि जिले ने बदली है अपनी पहचान, अब बन चुका है विकास का गढ़। इसके बाद कौसाम्बे में गए, वहां भी 10 मिनट रुके गृह मंत्री अमित शाह। यहां पर भी 612 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा दिया। अच्छा, पाकिस्तान पर कमेंट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, UPSC के फाइनल का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के अंदर टॉप 10 में 8 महिलाएं रही, यानी कि लड़कियां रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि ये बदलते नई यूपी की तस्वीर है। UPPCS 2022 का रिजल्ट घोषित हो गया और इसमें टॉपर रही आगरा की दिव्या सिकरवार। टोटल 364 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं और इतना ही नहीं, टॉप 10 में 2 लड़कियां तो सिर्फ आगरा की ही हैं। एक तो टॉप नंबर 1 पर आगरा की दिव्या सिकरवार और 9वें स्थान पर ऐश्वर्या दुबे ने जगह बनाई। वहीं एक और UPPSC टॉपर्स लड़की की स्टोरी देखिए आप। DSP बनी IUC के पिता की कोर्ट में ही हत्या कर दी गई थी, तभी इसने ठान लिया था कि मुझे कुछ बड़ा बनाना है। और आज देखिए कहानी सफलता की। जब ये 11वीं क्लास में थी तब इनके पिता को इनसे छीन लिया गया। डिलारी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा के परिवार की पहचान अब बेटी आयुषी सिंह से होगी। वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके DSP बन गई है और ये कह रही कि वो अपने पिता का सपना पूरा कर रही है। मैनी कांग्रेस वाकई में आयुषी को। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए 10 नए राजकीय संस्कृत स्कूल खोले जाएंगे। योगी सरकार की ये एक और नई पहल है। यूपी में ये 10 स्कूल कहां-कहां खुलेंगे जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। गोरखपुर समेत 5 जिलों में ये राजकीय संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे और इन 5 जिलों में शामिल हैं गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट और मथुरा। इन धार्मिक जगहों पर माध्यमिक स्तर के सरकारी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय खोलने की तैयारी चल रही है। योगी सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, यूपी के सुस्त ब्यूरोक्रेट्स की कुंडली हुई तैयार, जल्द ही योगी का एक्शन दिखेगा। कई जिलों के अफसर रडार पर हैं। दरअसल ऐसे अफसर जो सही ढंग से काम नहीं कर रहे या रिश्वतखोरी करते हैं, कुल मिलाकर के लापरवाही करने वाले अफसरों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त चेतावनी दी और कहा कि फरियादों की न सुनने वाले अफसरों की अब कुर्सी छीनी जाएगी। खराब प्रदर्शन करने वालों पर भी सीएम योगी की तिरछी नजर। बड़ी खबर है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया का दौरा करेंगे और यहां 223 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कुछ रूट डायवर्जन भी रहेगा और इसके बाद गोरखपुर भी आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हर विधानसभा क्षेत्र को देंगे विकास की सौगात। गोरखपुर से आज निकाय चुनाव का संकनाद भी करेंगे और यहां पर भी 1300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कोरोना पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि यूपी में इस साल कोविड से पहली मौत भी हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों में 232 नए मामले सामने आए। और ये जो यूपी में इस साल की कोविड से पहली मौत हुई है ना, वो लखनऊ में हुई है। 7 महीने बाद एक महिला की कोरोना से जान चली गई। अभी पूरे प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 991 हो चुकी है। अयोध्या में भी कोरोना का पहला केस मिल चुका है। उसके बाद प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया, अस्पतालों में मास्क पहनना वापस अनिवार्य कर दिया और सभी अस्पतालों को दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं योगी सरकार की तरफ से। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मौसम समाचार पर खबर आ रही कि तेजी से बढ़ेगा तापमान, 12 से 18 अप्रैल तक हीट वेव स्ट्रोक से बच कर रहे। जी हां दोस्तों, 12 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तेज गर्मी बढ़ेगी, लू चलने की भी संभावना है, सो सावधान रहिएगा। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, शिक्षकों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में अब फ्री में ट्रेवल कर पाएंगे शिक्षक। एक साल में 4000 किलोमीटर की यात्रा स्मार्ट कार्ड से फ्री में की जा सकेगी। यूपी सरकार की तरफ से प्रदेश के सरकारी टीचर के लिए यह बड़ा तोहफा दिया गया। स्मार्ट कार्ड के जरिए उत्तर प्रदेश की बसों में मुफ्त यात्रा का मौका मिलेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रात 12 बजे तक चलेगी लखनऊ मेट्रो ट्रेन। IPL क्रिकेट मैच को देखते हुए यह फैसला लिया गया। इसके अलावा लखनऊ में हाउस टैक्स में छूट को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। देखिए, आप इन्हें मिलेगी हाउस टैक्स में 10% तक की छूट, आदेश जारी हो चुका है। जी हां, अगर आपने 31 जुलाई तक अपना बकाया हाउस टैक्स जमा करा दिया ना, तो लखनऊ में आपको 10% की सीधी छूट मिलेगी। लखनऊ नगर निगम की तरफ से यह फैसला लिया गया। अच्छा, वही बड़ी खबर है, कासगंज पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव और बोले कि देश में शिक्षा और चिकित्सा की क्रांति लानी है। 3 दिन तक जिले में योग कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव कई योगा टिप्स भी देंगे। वही देखिए दोस्तों, स्वामी राम भद्राचार्य बोले कि विपक्ष देश को बेचना चाहता है, अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम और वंदे मातरम कहना होगा। साईं बाबा पर भी इन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि वो भगवान नहीं बल्कि संत हैं। वही देखिए, गिरिराज सिंह भी बोले कि मुजफ्फरनगर का नाम भी नहीं लेना चाहता, आजादी के 75 साल बाद भी यहां मुगलों की निशानी बाकी है, नाम बदलना चाहिए। मुजफ्फरनगर के नाम को बदलने को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोगों को संबोधित किया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अफसरों की मेहरबानी, अग्निकांड पर भारी। कानपुर में जहां आग लगी थी ना कपड़ा मार्केट में, उसके 100 मीटर तक के दायरे में नियमों को ताक पर रखकर बनाई जा रही इमारतें, ये देख सकते हैं घटनास्थल की कुछ तस्वीरें आप। अच्छा, वही खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर हेल्थ ATM इंस्टॉल किए जा रहे हैं और ऐसे में कल वर्ल्ड हेल्थ डे था। इस मौके पर हेल्थ ATM को लेकर एक्सपर्ट ने जानकारी शेयर की कि एक ऐसी मशीन होती है जो आपकी बीमारी मिनटों में बता देती है। 10 लाख की हाईटेक मशीन से जांचें हो रही हैं, किसी भी परेशानी पर PGI के डॉक्टर सलाह भी दे रहे हैं लोगों को। 10 तरह की जांचें आप बिल्कुल फ्री में करा
लगा सकते हैं इन हेल्थ एटीएम केंद्र के जरिए, है ना। बड़ी खबर है, ऑनलाइन घूस लेने पर जीएसटी अफसर पर एफआईआर दर्ज हुई। माल के दस्तावेज पूरे नहीं होने पर 10,000 की रिश्वत मांगी थी। ड्राइवर के पास केस नहीं होने पर गूगल पे पर रुपये लिए। कानपुर के पनकी थाने की घटना है, यहाँ जीएसटी के अफसरों पर एक व्यापारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। वही देखिए, औरैया में स्वास्थ्य इकाइयों पर मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। सीएमओ ने कहा, आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के साथ डिजिटलीकरण को भी मिल रहा बढ़ावा। अच्छा, अपोलो मेडिक्स में 6 महीने में 5 बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किए गए। ब्लड कैंसर पीड़ित महिला का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर डॉक्टरों ने बचाई जान। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल दांत के साथ फेस को भी नेचुरल लुक मिलेगा। शनिवार से केजीएमयू में भारतीय प्रोस्थोडोंटिक सोसाइटी का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा। डेंटल सर्जन को भी टिप्स मिलेगी। अच्छा, वही काशी में गंगा पुष्करम मेला का आयोजन होगा। राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। आगामी 22 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 3 मई तक पुष्करम मेले का आयोजन किया जाएगा। वही देखिए बड़ी खबर, सहजवान में राजकीय डिग्री कॉलेज का लोकार्पण किया गया। शिक्षा मंत्री बीएल वर्मा और रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के वीसी बोले की छात्राओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़ी खबर है, बीजेपी मतदाताओं से जनसंवाद करेगी, बातचीत करेगी। मतदाता सम्मेलन में मोदी और योगी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वही देखिए, मेरठ के साकेत समेत कई इलाकों में आज बिजली कटौती देखने को मिलेगी। 5 घंटे तक पावर कट रहेगा। विद्युत विभाग ने मरम्मत के चलते बिजली विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया। मेरठ के साकेत, गोल मार्केट सहित पूरे सिविल लाइन इलाके में शनिवार को 5 घंटे पावर कट रहेगा। दोपहर को लोगों को यह बिजली का संकट झेलना पड़ेगा। सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पावर कट किया जाएगा। और भी बिजली किन किन एरिया में गुल रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसा और कहा कि भाजपा को किसानों की कोई परवाह नहीं है। सरकार किसानों के लिए काल बन गई, आय दुगुनी नहीं हुई लेकिन आधी हो गई है। बड़ी खबर है, अलीगढ़ जेल के कैदियों को मिलेगा हाईटेक इलाज। प्रदेश का पहला जिला ऐसा बनने जा रहा है अलीगढ़, जहां जेल में भी हेल्थ एटीएम मशीन की शुरुआत हो चुकी है, जहां कैदियों को टेलीमेडिसिन की सुविधा भी मिलेगी। स्मार्ट सिटी अलीगढ़ की जेल भी अब स्मार्ट होने जा रही है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप अलीगढ़ जेल के हेल्थ एटीएम की। अच्छा, वही देखिए, मुलायम सिंह यादव को भी भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। गाजीपुर में सपाइयों ने पद्म भूषण दिए जाने पर जताई खुशी, बोले कि वह सभी के प्रेरणा स्रोत है। अच्छा, बड़ी खबर है, चंदौली में स्वास्थ्य शिविर में हुई निःशुल्क जांच। ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह ने किया शुभारंभ, बोले शिविर से जरूरतमंद लोगों को मिला लाभ। वही देखिए दोस्तों, अयोध्या में कल एक बड़ी आग की घटना देखी गई। 7 घरों की गृहस्थी राख हो गई, 30 बकरियां भी जलकर जान गंवा गई। आर्थिक सहायता के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई। अयोध्या में शुक्रवार दोपहर ये बड़ा हादसा हो गया। ग्राम पंचायत असरेवा के मजरे तेलियानी की दलित बस्ती में भीषण आग लग गई, जिससे कि 7 घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। बड़ी खबर है, काशी के 350 मंदिरों के प्रचार प्रसार का माध्यम बनेगा QR कोड। G20 में आने वाले मेहमानों को उनके मातृभाषा में मिलेगी मंदिरों की जानकारी। दरअसल वाराणसी में G20 सम्मेलन में जो विदेशी डेलीगेट्स अतिथि आएंगे, उनको काशी की संस्कृति सभ्यता को समझाया जाएगा, वो भी उन्हीं की भाषा में। और ऐसे में विदेशी मेहमानों के लिए काशी के प्रमुख लगभग 350 मंदिरों में एक खास प्रकार का QR कोड लगा रहे हैं, जिसमें मंदिरों का इतिहास हर भाषा में उपलब्ध होगा। जैसे मोबाइल में QR कोड को स्कैन किया जाएगा ना, उस मंदिर का इतिहास कंप्लीट पता चल जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर है, अलीगढ़ में 31 मई तक लागू रहेगी धारा 144। लगभग 2 महीने तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। आगामी त्योहारों को देखते हुए डीएम की तरफ से आदेश जारी किया है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। अच्छा, बड़ी खबर है, एटा में 200 करोड़ की सरकारी जमीन का घोटाला सामने आया। डीएम के आदेश पर 2 भूमाफियाओं पर एफआईआर दर्ज हुई, और इन 2 में से एक आरोपी तो पूर्व रेल उपमंत्री का बेटा भी है। बड़ी खबर है, बीजेपी का निकाय चुनाव के साथ मिशन 2024 पर फोकस। पूर्व डिप्टी सीएम बोले कि धर्म जाति से ऊपर उठकर भाजपा को जिताएं। तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही कि नई याचिका दाखिल की गई है बॉडी इलेक्शन के चलते, और इस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई भी आज हो सकती है, और उम्मीद है कि आज ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। वही देखिए, बरेली में 64 पुलिस कर्मियों को लाइन हासिल किया गया, 4 को सस्पेंड कर दिया। SSP प्रभाकर चौधरी ने इंटरनल जांच के बाद यह एक्शन लिया है। थानों में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी, तो उसके बाद देखिए आप, सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए इनको लाइन हाजिर कर दिया। बड़ी खबर देखिए, राम महोत्सव में बुंदेली सेना के जिला अध्यक्ष को सम्मानित किया गया। मंदाकिनी नदी की सफाई और सतत अभियान चलाने के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया। चित्रकूट के ओरछा में आयोजित 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय राम महोत्सव में बुंदेली सेना जिला अध्यक्ष को यह सम्मान दिया गया है। अच्छा, आगामी त्योहारों को लेकर एटा प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है, और कानून व्यवस्था को लेकर 2 महीने के लिए एटा में भी अलीगढ़ की ही तरह धारा 144 लागू कर दी है। बड़ी खबर है, बलिया में भूसा बनाने वाली मशीन से निकली चिंगारी। 250 बीघा गेहूं की फसल को जलाकर किया राख। हवाओं से फैलती चली गई आग और आसपास के सैकड़ों एकड़ बीघा की फसल जो है जलकर राख हो गई। बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां गेहूं निकालने वाली जो भूसा बनाने वाली मशीन आती है ना, उसकी चिंगारी से यह आग फैली। बड़ी खबर है, चीनी मिल की राख से परेशान ग्रामीणों ने दिया धरना। बस्ती की मुंडेरवा मिल की बगास से सांस लेना भी दुर्भर हो रहा, काफी प्रदूषण फैल रहा। कर्मचारियों के साथ नोकझोंक भी हुई ग्रामीणों की। अच्छा, वह देखिए, सरकारी स्कूलों में सत्र शुरू होते ही किताबें मिलेंगी। 8 साल में पहली बार 15 अप्रैल तक किताबों का वितरण किया जाएगा। योगी सरकार की तरफ से बच्चों को जल्दी किताबें बांटने के लिए इस बार ये नया टारगेट रखा है। वह देखिए, कानपुर में जिला जेल में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन होने जा रहा। बंदियों ने किया योग ध्यान, बोले आनंद ही आनंद है। शरीर के विभिन्न अंगों के शिथिलीकरण के साथ
साथ ध्यान किया। अच्छा, मऊ में भाजपा मना रही सेवा सप्ताह, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, 14 अप्रैल तक किए जाएंगे कार्यक्रम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अयोध्या का दौरा करेंगे कल 9 अप्रैल को, 8 घंटे वो अयोध्या में रुकेंगे, रामलला का दर्शन कर मंदिर निर्माण भी देखेंगे, लक्ष्मण किला में भी महंत का आशीर्वाद लेंगे। वही देखिए, अमरोहा में युवक ने नेशनल हाईवे 9 पर रील बनाई, रोड के बीच में कुर्सी डालकर बैठा, आगे लगा दी गाड़ी, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और अब चालान भी काटा जाएगा। बड़ी खबर है, कुशीनगर में कागजों में सिमर रही हर घर नल योजना, गांव का ओवरहेड टैंक सिर्फ बनकर पड़ा है, सालों से ग्रामीणों को इसके जरिए पेयजल नहीं मिला, ग्रामीणों ने धरना भी दिया इस बात को लेकर। वह देखिए, ट्रॉमा सेंटर में बेहतर होंगी स्वास्थ्य सुविधाएं, फिरोजाबाद में WHO की 4 सदस्यीय टीम ने जाना मरीजों का हाल। अच्छा, काशी के 80 घाट पर 500 महिलाओं का एनीमिया टेस्ट कराया गया, अनकीबाई गमंडी राम गोवानी ट्रस्ट की पहल पर यह टेस्ट का आयोजन हुआ, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर रैली भी निकाली गई और कल इस मौके पर डॉक्टरों ने साइकिल भी चलाई प्रयागराज में और स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया। वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर डॉक्टरों ने अनूठी पहल की, बोले स्वस्थ रहना है तो साइकिल चलाएं, एक्सरसाइज करें। वह देखिए, बांदा के सजर पत्थर को मिला GI टैग, कारोबारियों में खुशी की लहर, इससे पहले मिल चुका है ODOP टैग, लेकिन अब इस सजर पत्थर को GI टैग भी मिल चुका है, जो कि वाकई में जिले के लिए बड़े गर्व की बात है बांदा जिले के लिए। बड़ी खबर है, एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों पर रोक लग चुकी है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में 15 दिनों का ट्रायल किया जाएगा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रूट भी डाइवर्ट रहेगा इसके चलते। जी हां, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जो भारी वाहन है ना, बड़े माल वाहक लोडर वाहन ट्रक वगैरह, तो दोस्तों ऐसे वाहन अब सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के बीच में इस रूट पर प्रतिबंधित रहेंगे, बैन रहेंगे, है ना। वह देखिए, बड़ी खबर, फरुखाबाद में अपात्रों को मिला PM आवास योजना का लाभ, जिलाधिकारी ने सचिव को निलंबित किया, खंड विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी भेजा। देखिए, मतलब ये जान पहचान से और घूस रिश्वत लेकर के अपात्र लोगों को भी इस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ देते हैं। अच्छा, वह देखिए, बड़ी खबर, फिरोजाबाद में नाला निर्माण में बाधक बन रहा रेन बसेरा को ध्वस्त किया गया, नगर निगम ने चलवाया बुलडोजर, जद में आ रही दुकानें भी तोड़ी जाएगी। बदायूं में 2 गैंगस्टरों के घर पर पुलिस ने लगाए ताले, अपराध की कमाई से बनाई गई संपत्ति पर हुई कार्यवाही। औरैया में एक स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाएंगे वहाँ, सुबह से शाम तक भक्तों की लग रही कतार, 36 फीट ऊंचा शिवलिंग भी बनाया गया। औरैया के फफूंद कस्बे में एक ही स्थान पर देश भर के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं। बड़ी खबर है, MNNIT में 62 लोगों को स्वर्ण पदक दिए जाएंगे, 1603 को मिलेंगी उपाधियां, मेरिट के आर्यन व प्रयागराज की पलक को मिलेगा इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल, ये मतलब छात्र छात्राओं को उपहार दिए जाएंगे, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में, है ना। अच्छा, वही देखिए खबर दोस्तों, कानपुर में एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि DM साहब के नाम कर दूंगी मैं मेरा मकान, बेटों को नहीं दूंगी घर, बहुत परेशान करते हैं, बहू भी बहुत पीटती है। देखिए, ये कलयुगी बेटे बहू ऐसे होते हैं, लेकिन बेटे बेटों को अपनी घटिया सोच को सुधारना चाहिए, माँ बाप तो भगवान से भी बड़े होते हैं, उनका ख्याल उनकी देखरेख तो खुद से भी ज्यादा अच्छी रखनी चाहिए, राइट। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, आगामी 30 सालों के लिए की जाएगी ट्रैफिक स्टडी, 2 कंपनियों ने प्राधिकरण को भेजा अपना प्रस्ताव, जाम मुक्त बनेगा नोएडा। अच्छा, वही खबर है कि नई शिक्षा नीति के तहत वोकेशनल कोर्स सीखना अब अनिवार्य होगा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्स भी कर सकते हैं विद्यार्थी। यूपी में भी अगले सत्र से नई शिक्षा पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, लागू होने जा रही है। बड़ी खबर देखिए, MMMUT में अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी पढ़ाई कराई जाएगी, पाठ्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है, गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की IoT की स्टडी भी स्टूडेंट कर पाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने कहा कि बिना मजबूत आधार के हिरासत में लेना मौलिक अधिकारों का हनन है, अपरिहार्य होने पर ही कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार किया जाए, बाकी हर किसी आम व्यक्ति को किसी बात को लेकर संदेह के आधार पर तुरंत गिरफ्तार ना करें। हाईकोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश की सभी पुलिस व्यवस्था को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। और हाँ दोस्तों, आप यूपी में कौन से जिले में रहते, कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, आपके अपने चैनल डेली यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।